हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पॉल सेजान, जिन्हें आप आधुनिक कला के पितामह के नाम से भी जाने पहचानते हैं। आधुनिक कला के जनक कहे जाने वाले पॉल सेजान ने सरलीकृत आकारों में पेंटिंग बना करके वस्तु चित्रण, फ्लावर्स, इन्हें बहुत ज़्यादा चित्रित किया है। स्टार्ट करते हैं पॉल सेजान, जिनका जन्म 19 जनवरी 1839 में हुआ और मृत्यु 22 अक्टूबर 1906 में। बहुत से लोग पॉल सेजान को आधुनिक कला के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण कलाकार मानते हैं। कलाकार सेजान के कटु आलोचक भी इतना तो मानते हैं कि वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली कलाकार थे। उसने आधुनिक कला का संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल दिया। यही नहीं, उसने संसार को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण ही सामने रख दिया। सेजान का कार्यकाल 1870 से 1900 ईस्वी तक रहा। इसी समय में उसने अपने सभी विख्यात चित्र बनाए। सेजान 19वीं शताब्दी का चित्रकार है, जबकि सारे यूरोप में यथार्थवादी चित्रकला का बोलबाला था, परंतु सेजान की कला से यथार्थवादी चित्रकला का वास्तविक अंत होता है। यथार्थवादी चित्रकारों का आदर्श था कि वे अपने प्रकृति से बिल्कुल मिलते जुलते बनाए। वे अपने चित्र प्रकृति से बिल्कुल मिलते जुलते बनाए और उसे वह ऐसा ही चित्रित करें जैसा वे दृष्टिगत होते हैं। इसके विपरीत सेजान ने प्रकृति की यथार्थता को और भी गहराई तथा सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास किया, अर्थात प्रकृति के आंतरिक रहस्य को उद्घाटन करने का एक नया प्रयास किया, जो यथार्थवादी चित्रकारों की दृष्टि में न आ सका था। प्रकृति देखने में सुंदर तथा महान है, परंतु इसकी महानता का रहस्य क्या है, इसका आधार क्या है, इसे समझने का प्रयत्न यथार्थवादी चित्रकार न कर सके। वे केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप को की नकल करने का ही भरसक प्रयत्न करते रहे। यह प्रयत्न उसी प्रकार था जैसे कोई बालक किसी मशीन या घड़ी की बनावट के सिद्धांतों को बिना समझे घड़ी बनाने का प्रयत्न करता रहता है। किसी भी वस्तु के निर्माण के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उनको समझकर ही निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रकृति का चित्र बनाने के पहले यह जानना आवश्यक है कि वह प्रकृति किन सिद्धांतों पर बनी है। एक साधारण प्रकृति की वस्तु मनुष्य को ले लीजिए। मनुष्य का चित्र बनाने से पहले उसके शरीर की बनावट, शरीर का ढांचा, एनाटॉमी का ज्ञात करना आवश्यक है। उसी प्रकार प्रकृति की सभी वस्तुओं की बनावट का सिद्धांत होता है। शरीर का ऊपरी भाग उसी ढांचे के आधार पर ही विभिन्न रूप प्राप्त करता है। कलाकार सेजान ने प्रकृति के प्रत्येक रूप में इस प्रकार का सूक्ष्म ढांचा देखा है। यह रूप सूक्ष्म और ज्यामितीय होता है, जैसे त्रिकोण, धन तथा वृत्त आदि। स्टूडेंट, जब हम स्टील लाइफ बनाते हैं तो पहले हम उसको, यदि कोई हमारे पास ग्लास है तो हम उसका शेप क्या देखेंगे, सिलेंडर देखेंगे। यदि हमारे पास बुक है तो हम उसका पहला जो वो देखेंगे शेप, वो क्या देखेंगे, एक बॉक्स, एक आयत की तरह देखेंगे। उसी तरह से सेजान ने भी सबसे पहले उसको ज्यामितीय शेप में देखा, ज्योमेट्रिकल शेप में देखा। अगर हम किसी का, अगर हम चेहरा भी बनाएंगे तो उसको पहले ओवल बनाएंगे। सेजान ने भी ऐसे ही किया, उसको पहले सरलीकृत आकार में देखा, यानी कि उसका पहले बेस देखा, वो किस बेस पे बना हुआ है, उसके बाद उसको
आकार देने की कोशिश किए। इन्हीं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मूल आकारों के आधार पर ही बाहरी रूप निर्मित होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस प्रकार बाहरी रूप का यथार्थ चित्रण को ही नहीं सकता जब तक कि सूक्ष्मता से उसके भीतरी बनावट को नहीं समझा जाए। यदि एप्पल है तो एप्पल पहले तो हमें पहली बार में हमें वो गोल दिखाई देगा, उसके बाद हम उसकी भीतरी संरचना करेंगे, उसका डंठल बनाएंगे, उसके ऊपर गड्ढा बनाएंगे, उसके नीचे की तरफ गड्ढा बनाएंगे। कलाकार सेजान ने इसे सूक्ष्म रूप का अध्ययन करने का प्रयास किया, जिसके कारण उसकी कला का रूप ही बदल गया। प्रकृति को देखने तथा समझने का ढंग ही दूसरा हो गया। चित्रकला में प्रकृति के बाहरी रूप के बजाय कलाकार को उसका सूक्ष्म रूप और भी आकर्षण लगने लगा। यहीं से आधुनिक कला साधारण बाह्य यथार्थ रूप के चित्रण के स्थान पर सूक्ष्म आंतरिक रूप के चित्रण में लग गई। कला में एक महान परिवर्तन तथा क्रांति उत्पन्न हुई। कला का एक नया युग आरंभ हुआ, जिसके प्रतिष्ठाताओं में कलाकार सेजान का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संसार के अनेक चित्रकारों ने सेजान की कला का महत्व समझा और उसी आधार पर कला की अनेक आधुनिक शैलियां बन गईं, जैसे क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म इत्यादि। आज के चित्रकला की आधुनिक शैलियों में शायद ही कोई ऐसा हो जो सेजान की कला से किसी न किसी रूप से प्रभावित न हुआ हो। सेजान के चित्र अक्सर देखने में अपूर्ण से लगते हैं। इसका कारण यही है कि उसने अपने चित्रों में वस्तुओं का चित्रण सूक्ष्म रूप से ही किया है। वस्तुओं की ऊपरी बनावट गौण सी रखी है। केवल रंगों के समूह से ही चित्रण हुआ है। प्रकृति चित्रण में यथार्थवादी चित्रकार प्रकृति के प्रत्येक दृष्टिगत बाह्य स्वरूप का चित्रण अलग अलग सफाई के साथ और उसके यथार्थ रूप की पूर्णता के साथ चित्रित करने का प्रयास करता है। सेजान के दृश्य चित्रों में आकाश, पर्वतमालाएं और उसके आसपास की वनस्थली, समुद्र, उसके सामने के वृक्ष, जमीन, मकान इत्यादि सभी केवल विभिन्न प्रकार के रंगों के समूह मात्र मालूम पड़ते हैं। चित्र में नज़र किसी एक वस्तु पर नहीं पड़ती, बल्कि पूरे दृश्य पर एक साथ पड़ती है और देखते ही विशाल प्रकृति का रहस्य सुंदर रंगों में संयोजन से उद्दासित हो उठता है। चित्रकार ने विभिन्न रंगों से भरी तुलिका जैसे जिस स्थान पर जैसी चलाई वैसा ही रूप उभर आया है। प्रकृति रंगों के समूह से चित्रित होकर रहस्यमयी सी भी लगती है, पर इसकी विशालता, विविधता तथा रंगीनी देखने वाले के हृदय में घुल मिल जाती है और कहीं अधिक विराट लगती है। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त पुष्पों से सजे गुलदस्तों के सेजान ने बड़े ही प्रभावशाली और आकर्षक चित्र बनाए हैं। इस प्रकार गुलदस्तों से पुष्पों को सजाकर चित्र बनाने की एक परिपाटी सी चल गई थी। विख्यात फ्रांसीसी चित्रकार वैनगोग ने भी ऐसे गुलदस्तों के बड़े बड़े सुंदर चित्र बनाए हैं। सेजान के फूलों से भरे गुलदस्ते का चित्र बनाने का बड़ा शौक था। गुलदस्ते के चित्रों में अक्सर नारंगी, सेब इत्यादि फलों का भी वह आसपास सजाकर चित्र बनाते थे। सेजान चित्रों को रुचि के साथ बहुत धीरे धीरे बनाते थे। एक चित्र बनाने में कभी कभी महीने लग जाते थे। जहाँ तक कि गुलदस्ते के फूल तथा फूल सूखने तथा सड़ने नहीं लगते, इसलिए सेजान ने यही समझा कि नकली फूलों तथा फलों को सजाकर चित्र बनाए। वह कागज के फूल तथा मिट्टी के फलों को सामने रखकर उनका चित्र बनाते थे, क्योंकि
जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि उनको चित्र बनाने में कई बार महीने भी लग जाते थे। अगर गुलदस्ते में फूल रख करके हम उसका स्टिल लाइफ बनाएंगे तो दूसरे दिन में मुरझा जाएगा, और सेजान को तो बहुत टाइम लगता था। इसलिए उन्होंने यह प्रयास किया कि मैं सूखे फूल या मिट्टी के फ्लावर्स या फिर किसी और कागज़ के फ्लावर्स से अपनी पेंटिंग की शुरुआत करूं। वह कागज़ के फूल तथा मिट्टी के फूलों को सामने फलों को सामने रखकर उसका चित्र बनाते थे। इससे साफ मालूम पड़ता है कि सेजान फूलों तथा फलों या वस्तुओं का यथार्थ चित्रण करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि विभिन्न प्रकार के रंगों तथा आकारों के वस्तुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। गुलदस्तों में फूल और उनके पत्ते साफ साफ चित्रित नहीं होते थे। चित्र में ये रंगों के धब्बे से लगते हैं, परंतु फूलों तथा फलों को इस तरह उभार कर चित्रित किया कि वे चित्र से बाहर निकलते हुए से प्रतीत होते हैं, जैसे वे गोल गेंद के समान लुढ़क कर बाहर आ जाएंगे। फूल और फल में चित्रित नहीं मालूम पड़ते, बल्कि लगते हैं जैसे वे पूर्ण आकार की वस्तु हैं। इस प्रकार गुलदस्तों के चित्रों में सेजान का एक महान और अनूठा चित्र है। देखिए, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उनके चित्र में फ्लावर्स के साथ में स्टिल लाइफ और फल भी होते थे। इस फर्स्ट पेंटिंग में फ्लावर पॉट भी है, पीछे प्लेट भी है, फ्लावर्स भी हैं और नीचे फल फ्रूट भी है। दूसरे चित्र में फ्लावर्स भी हैं, फ्लावर पॉट भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। तो उनका मानना था कि चित्र सजीव लगेगा अगर हम उसमें उसके साथ में फ्लावर्स के साथ में हम उसके साथ में फल भी लगाएं। तो चित्रकार सेजान को फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाने का बेहद शौक था। सेजान का यह अकेला चित्र संसार के प्रमुख चित्रों में बेजोड़ है। गुलदस्ते की पत्तियां नाचते हुए मयूर के पंख के समान फैली हुई और सफ़ेद पीले तथा नारंगी रंग के फूल झूमते हुए से उछल पड़ते हैं। सेजान के व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट भी अपने किस्म के अनूठे चित्र हैं। अधिकतर पाश्चात्य कलाकारों ने स्त्रियों के व्यक्ति चित्र बनाने में अधिक रुचि दिखाई, परंतु यह एक अद्भुत बात है कि सेजान के अधिकतर व्यक्ति चित्र पुरुष के हैं और उनकी भाव भंगिमा बड़ी ही मर्यादित तथा प्रभावशाली है। व्यक्तियों के मुख पर अधिकतर भाव गंभीर चिंता है और रंगों का प्रयोग गंभीरता को बढ़ाने के लिए हुआ है। व्यक्ति चित्रण में ताश खेलने वाले सेजान का एक अत्यंत प्रभावशाली चित्र है। लाल मेज के दोनों ओर बैठे हुए ताश खेलते अंधेरे कमरे में बैठे दो व्यक्ति इस गंभीरता तथा तल्लीनता के साथ खेल में व्यस्त हैं जैसे उनके लिए संसार सूना है और वे ही दोनों व्यक्ति दुनिया में हों और उनके ताश के पत्ते इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। खेलने वालों में से एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और उसके मुंह में सिगरेट इस प्रकार लगी है जैसे व्यक्ति को उसका पता ही न हो। तल्लीनता का इतना सुंदर चित्र शायद ही किसी और चित्रकार की तुली सिक्का से निकल सका हो। सेजान के चित्रों का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि उसने अपने चित्रों की वस्तुओं, दृश्यों तथा व्यक्तियों का चित्र बड़े ही विलक्षण ढंग से किया है। उसके चित्र साधारण परिस्थिति के चित्र नहीं, प्रत्येक चित्र नए ढंग से देखने को मिलता है और एक नया दृष्टिकोण सामने रखता है। ये देखिए, सेजान के चित्रों में एक खास बात और है कि उनके जो तुली का संचालन है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और हल्के और गहरे रंगों की चाप स्पष्ट दिखाई देती है। द बॉय इन अ रेड वेस्ट कोट, यह है इनकी स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में आप देखिए लाइट और डार्क का कितना सुंदर चित्रण सेजान ही कर सकते हैं।
द पाथर्स स्नान मगना है। पोर्ट्रेट ये जो जिसका मैं विवरण पहले कर चुकी हूँ, ताश खेलने वाले द कार्ड प्लेयर। थैंक यू।